एक भाई का सवाल आया है कि कामयाब लोग अपनी कामयाबी किस्मत में लिखा के लाते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है दोस्त, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा। एक शहर के दो राजा थे, दोनों ही राजा एक महात्मा को बहुत मानते थे, और वो दोनों ही राजा एक नदी के पानी के लिए नोकझोंक करते रहते थे। एक दिन तो उनकी नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बाद युद्ध तक पहुंच गई। तो युद्ध से पहले दोनों राजा महात्मा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पहला राजा जब महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने पहले राजा से बोला कि हे राजन, शायद तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं। राजा ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने महात्मा से कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में जीत है या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत से युद्ध करूंगा, अगर हारूंगा अभी तो शान से हारूंगा। फिर दोबारा दूसरे राजा का आशीर्वाद लेने का नंबर आया। जब दूसरा राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने कहा कि हे राजन, शायद तुम्हारे भाग्य में जीत पक्की है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो घर पे आके ये सोचने लगा, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मेरे भाग्य में तो जीत पक्की है। युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम निकला कि पहला राजा जीत गया और दूसरा राजा हार गया। अब दोनों इस बात से परेशान थे कि हमारा भाग्य कैसे बदला। दोनों ये सवाल लेके महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा ने बताया कि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत जाओगे। पहले राजा ने मेहनत करी बिना यह सोचे कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, इसलिए वो जीत गया। और दूसरे राजा ने मेहनत नहीं करी, उसे लगा कि मेरी किस्मत में जीत लिखी है, इसलिए वो हार गया। तो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि किस्मत से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। क्योंकि किस्मत से रोटियां मिल सकती हैं, लेकिन रोटियां पेट तक नहीं जा सकती, उसको पेट तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।